बोधकारा विघटित निखिलार संस्कार कारा छंदम ध्वनि प्रतिपद मधुना कामनु व्यंजयामः अनादि और अनंत होता है। विषय शादी हो, विषय शांत हो, शादी विषय को शादी बताना, शांत विषय को शांत बताना। ज्ञान स्वयं में शादी होता है तो शांत होता है। ज्ञान ईश्वर का बनाया हुआ है, जीव का बनाया हुआ ही नहीं। ज्ञान से ईश्वर बनता है, ज्ञान से जीव बनता है, ज्ञान से जगत बनता है। और जो ज्ञान से बनता है वो ज्ञान से भिन्न नहीं होता। और तो ज्ञान का स्वरूप न जानने से ही ज्ञान से भिन्न मालूम पड़ता है। ज्ञान से बना ज्ञानात्मक है। अब कहो कि ईश्वर ने ज्ञान बनाया, तो ईश्वर ने ज्ञान बनाया तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया? यदि ईश्वर ने ज्ञान से ज्ञान बनाया तो ज्ञान बनाने के पहले भी ज्ञान था। तो इसी से ज्ञान को अपन अपौरुषेय बोलते। अपौरुषेय माने किसी पुरुष की रचना नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी विशेष रूप में ज्ञान की रचना नहीं की। ज्ञान काल के संस्पर्श से रहित है, न आदि है, न मध्य है, न अंत है। ज्ञान है देश के संस्पर्श से रहित है, न पूर्व है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, न उसमें यूरोप है, न एशिया है, न भूगोल है, न खगोल है। और ज्ञान का आकार भी नहीं है। सब आकार ज्ञान से स्फुरित होते हैं, पूर्ण आत्मा। तो स्फुरण से पृथक जो आकार मालूम पड़ते हैं वे अज्ञान से मालूम पड़ते हैं, और जहां नहीं है वहां मालूम पड़ते हैं। इसलिए अपने अभाव के अधिकरण में आसमान होने के कारण आकार को मिथ्या बोलते हैं। उनकी भासमानता से विरोध नहीं है, उनकी अखंड सत्तात्मकता से विरोध है। भाषाएं भाषाएं तो इसको हम लोग बोलते हैं वेद। ये आकार अलग अलग होने पर भी ज्ञान एक होता है। ये पीला है, ये लाल है, और रोशनी एक है, और ये प्रकाशक एक है, ये घड़ा है, ये टकोरा है, मिट्टी एक है, सत्ता एक है।
तो आकार के भेद से न तत्व में भेद होता है न ज्ञान में भेद होता है। तो ज्ञान को आकार में बांधना ये ज्ञान के स्वरूप को न जानना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अलग अलग और ज्ञान एक, सुख दुख अलग अलग ज्ञान एक। हमारे न्यायिक और वैशेषिकों ने बाह्य पदार्थ की प्रधानता से चारवाक में, जैन में और न्याय वैशेषिक में बाह्य पदार्थों को महत्व दे दिया और विज्ञानवादी बौद्धों ने बाह्य पदार्थ को महत्व नहीं दिया, आंतर पदार्थ को महत्व दिया। विज्ञान ही संस्कृत है, परंतु वहां उन्होंने विज्ञान को काल के पेट में रख दिया। विज्ञान पैदा होता है, विज्ञान मरता है, तो विज्ञान के पेट में काल होना चाहिए कि काल के पेट में विज्ञान होना चाहिए? विज्ञान क्षणिक नहीं होता, क्षण वैज्ञानिक होता है। विज्ञान से ही क्षण की वृद्धि होती है। फिर शून्यवादी बौद्धों ने कहा कि ये बाह्य और अंतर जो हैं, ये दोनों सांप्रतिक हैं, ये तो ज्ञान के ढक्कन हैं, ढक्कन तत्व के ढक्कन है। ज्ञान तो नहीं बोलते, तत्व के ढक्कन है। मूलतः शून्य है और विज्ञान और बाह्य पदार्थ दोनों सांप्रतिक हैं। शैवों ने कहा कि ये जिसको तुम बाह्य कहते हो, अंतर कहते हो, जिसको शून्य कहते हो, ये सब आत्मा का उल्लास है, अपना आप ही सबके रूप में। ये थिरकन आत्म तत्व की थिरकन है, आत्म तत्व का स्पंदन है, आत्म तत्व का उल्लास है। शून्य भी आत्मा के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, बिना साक्षी के शून्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो बाह्य की सिद्धि भी आत्मा से, विज्ञान की सिद्धि भी आत्मा से, शून्य की सिद्धि भी आत्मा से, और आत्मा स्पंदमान होकर के शून्याकार, विज्ञानाकार, बाह्याकार हो रहा है। ये दुनिया क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये ईश्वर जीव क्या है, ये जगत क्या है, कई आत्मा की थिरकन है, ये आत्मा की लहर है, ये आत्मा का स्पंदन है और आत्मा का नृत्य है। वेदांतियों का कहना है कि ये जो तुम नृत्य का, स्पंदन का या उल्लास का वर्णन करते हो, एक देह में, एक अंतःकरण में लौकिक दृष्टि को लेकर के स्पंदमानता का वर्णन करो, जहां अंतःकरण की उपाधि नहीं है वहां स्पंदमानता भी कैसे रहेगी? इसलिए जो ये आत्मा है ये अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म है। परंतु ब्रह्म में जैसे भक्त लोग ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, सगुण सविशेष, वैसा नहीं है। ये ब्रह्म है और निस्पंद अद्वितीय है, इसमें स्पंद मानता नहीं है, इसमें उल्लास नहीं है, इसमें लहर नहीं है। ये मौज बोलते हैं संत मत वाले जो हैं, ये बोलते हैं आत्मा की मौज है, आत्मा की लहर है। मौज माने तरंग, लहर। बोले नहीं, ये आत्म वस्तु तरंगायित होगी तो काल होगा ना, उसमें क्रम होगा, एक तरंग, दो तरंग, तीन तरंग,
काल का संबंध हो गया, यहाँ वहाँ अंतर बाहर ऐसा वैसा देश काल द्रव्य का संबंध जुड़े बिना ज्ञान स्वरूप आत्मा में बंध मानता का आरोप नहीं हो सकता। इसलिए जो आत्मा में स्पंद की कल्पना है ये भी लौकिक है, ये भी बाह्य दृष्टि मूलक है, ये स्वरूप दृष्टि अथवा तत्व दृष्टि नहीं है। तब इन्होंने फिर देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य प्रत्यक्ष चैतन्य को ही अद्वितीय बताया। ये वेदांत का सिद्धांत है, आत्म चैतन्य अद्वितीय ब्रह्म है, इसमें अद्वितीयता का विधान नहीं है कि हमारी आज्ञा मानो आत्मा को अद्वितीय मानो, ये उपासना के लिए नहीं है कि ध्यान करो हम अद्वितीय, ये उपासना के लिए भी नहीं है। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो अद्वितीयता के निश्चय में और इनका भान होना उपयोगी है। तो भान मात्रम परम ब्रह्म, यदि भान ही नहीं रहेगा तो परम ब्रह्म परमात्मा क्या होगा। बौद्ध मत क्षणिकता और शून्यता को लेकर निष्प्रतियोगिक अभाव मानने के कारण शून्य बोलते हैं। भाषा ये है उनकी कि जैसे हम घटाभाव मानते हैं तो घटाभाव का प्रतियोगी घट है, इसलिए अभाव मानने पर घट की सत्ता सिद्ध हो जाती है, और वो शून्य को निष्प्रतियोगिक अभाव मानते हैं। घट तो है नहीं और अभाव है तो किसका अभाव है, ये अपेक्षा पूरी नहीं होती है, ये अपेक्षा ही पूरी नहीं होती है, इसलिए अभाव से भी विलक्षण है उनका शून्य, परंतु उसका साक्षी तो हो नहीं चाहिए। तो ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य की अद्वितीयता है, परोक्ष रूप से नहीं कि कोई वैकुंठ में रह के अद्वितीय हो, निराकार रूप से पृथक नहीं, स्वस्वरूप रूप से जो अद्वितीयता है उसका प्रतिपादन करने के लिए ये वेद का मुख्य भाग है उपनिषद, वेद का अंत वेद का सिद्धांत। नारायण ज्ञान समाधि में होता है तो अविद्या निवर्तक वृत्ति कहां से आवेगी, समाधि में तो अविद्या निवर्तक वृत्ति नहीं होती है, समाधि भी वृत्ति है परंतु वो विक्षेप निवर्तक है। वेदांत मत में समाधि वृत्ति है, एक व्यवहार है, और लगाने से आई थोड़ी देर रही चली गई। तो समाधि में अज्ञान के निवर्तन की शक्ति नहीं है, तो अन्य कोई हमारे अज्ञान की निवृत्ति कर दे तो वो निवर्तक तो बना ही रहेगा, भगवान आकर के अज्ञान निवृत्त करेंगे तो बैठ जाएंगे फिर मौज से, तो तुम्हारा अज्ञान तो मिट गया, तुम हमारे चेले हो गए, करो सेवा। तो ये अज्ञान की निवृत्ति न तो समाधि से होती है न तो किसी की कृपा से होती है। समाधि अंतःकरण शुद्धि है, ये बात हम मान सकते हैं, शुद्धि में साधन है, भगवान की कृपा भी अंतःकरण की शुद्धि में साधन है, उपासना भी अंतःकरण शुद्धि में साधन है, कर्म भी अंतःकरण शुद्धि में साधन है। साधन का निषेध नहीं है, परंतु सत्य का जो ज्ञान है वो एक पृथक वस्तु है, वो न स्वर्ग में है न नरक में है,
न पाप में है, न पुण्य में है, न जाने में है, न आने में है, न जीने में है, न मरने में, न विक्षेप में है, न समाधि में है। वो तो सबका अधिष्ठान सर्वावभासक स्वप्रकाश आत्म तत्व है। तो दूर निकट देश में, भूत भविष्य काल में, सेवाकार मनुष्याकार में और प्रवृत्तिक निर्वृत्तिक अंतकरण में तत्वज्ञान नहीं है। तत्वज्ञान का स्वरूप है तत्व स्वरूप ज्ञान, और अनारोपिता का उसमें किसी भी प्रकार का आकार आरोपित नहीं है, न व्यावृत्ति है न अनुवृत्ति। वो किसी में उसका अन्वय नहीं होता, दूसरा ही नहीं तो अन्वय किसमें होगा, और किसी से व्यतिरेक भी नहीं होता, अलग भी नहीं होता। ये जिज्ञासुओं को विवेक के लिए समझाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उसका अन्वय है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से व्यतिरेक है, तो ये समझाने की प्रक्रिया है। ये भी तत्व का स्वरूप नहीं है। अव्यावृत्ता अनुगतम, तो इस वस्तु की जो विद्या है उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ है उपनीयत स्वमात्मानं ब्रह्मा पात्रत्वयंगता विनत्य विद्याम सज्जंच तस्मात् उपनिषद स्मृता। उपनिषद को उपनिषद क्यों कहते हैं? उप उपकार से उपनयन, पास ले जाना। किसके पास ले जाना, कितना पास ले जाना? बोले ये इसका कोई मापक नहीं है, कोई विभाजक रेखा नहीं है। तो निरतिशय सामीप्य माने व्यवधान रहित सामीप्य आत्मा का साक्षात्कार उपनयन। उपनीय स्वमात्मानं ब्रह्मा पाशद्वयं जतः विनत्ति अविद्या। ये आत्मा क्या है? ब्रह्म है, इसमें कोई द्वैत नहीं है, अद्वितीय है। अब तक जो अविद्या ताप का हेतु बन रही थी उसको इसमें नष्ट कर दिया। तो ये ब्रह्म का ज्ञापक होने से उपनिषद को उपनिषद नहीं कर सकते, अविद्या का निवर्तक होने से इसको उपनिषद कहते हैं। प्रमाण जितने होते हैं वो अज्ञात ज्ञापक होते हैं। कान से रूप नहीं मालूम पड़ता, आंख से रूप मालूम पड़ता है तो रूप में आंख प्रमाण है। आंख से शब्द नहीं मालूम पड़ता, कान से मालूम पड़ता है तो शब्द में कान प्रमाण है। और ये ब्रह्म विद्या जो है किसी भी करण से, प्रमाण से, इंद्रिय से आत्मा की अद्वितीयता सिद्ध नहीं होती है। तो ये आत्मा की अद्वितीयता को बतलाकर अविद्या को निवृत्त करते हैं। तो प्रमेय के साक्षात्कार में हेतुता होती है प्रमाणों की, परंतु अविद्या की निवृत्ति में निवर्त्य की प्रधानता से वेदांत को प्रमाण मानते हैं, प्रमेय की प्रधानता से वेदांत को प्रमाण नहीं मानते हैं। ये इसकी अद्भुत शैली है। अब उपनिषदों में ये ऊपर तो है उपसर्ग और नी भी उपसर्ग है, और शब्द जो है वो विसरण गति अवसाधन के अर्थ में है। सदरी विसरण गत्यवसाधन हेतु ये सबसे पास एक विवंत शब्द इसको बोलते हैं, ज्यों का त्यों। उपनिषदनम उपनिषद भाव में ये प्रत्यय है। उपनिषदनम कर्ता में भी प्रत्यय है, उपनिषद। तो इसका अर्थ ये हुआ
ये जो तुम अपने से दूर चले गए हो, कहाँ गए हो अब समझ लो, भोग में गए, परिवार में गए, विषय में गए, कर्म में गए, अभ्यास में गए, उपासना में गए, स्थिति में गए, ब्रह्मा विष्णु में सिपात गए, वैकुंठ गोलोक की यात्रा करने चले गए और समाधि में सो गए, कहीं चले गए हो भाई, अपने आप का तो ख्याल ही नहीं है। तो ये दूसरों के चंगुल से छुड़ा करके अपने आप में स्थित करने वाली जो विद्या है, जिसको उपनिषद उपनिषद कहते हैं। जैसे किसी को नशा हो गया हो और मालूम पड़ता हो कि मैं दूसरे के घर में हूँ और चिल्लाए कि हमको हमको हमारे घर में पहुंचाओ, हमको हमारे घर में पहुंचाओ, और वो अपने घर में, तो उसको अपने घर में पहुंचाने का उपाय मोटर नहीं है, उसको अपने घर में पहुंचाने का उपाय नशा उतारना है। तो ये जो अपने को मालूम पड़ता है कि हम अपने को छोड़ के स्त्री में बैठे, पुत्र में बैठे, धन में बैठे, मकान में बैठे, इनके बिना तो हम कुछ है ही नहीं है, कुर्सी में बैठे, तो ये नशा उतारने वाली विद्या जो है, नशे को विशरण कर दे, परमात्मा का अवगम करा दे, अविद्या ग्रंथि को का अवसादन कर दे, शिथिल कर दे, अवसादन अविद्या ग्रंथि का, भ्रांति का, अवगम परमात्मा का, और विशरण अविद्या कृत जितने दुख दोष अनर्थ हैं सबको मिटा देने वाली, इसको बोलते हैं उपनिषद। नारायण, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, जो वस्तु अज्ञान से मालूम करती है वो होती नहीं, और जो वस्तु ज्ञान से मिट जाती है वो भी होती नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। केवल मालूम पड़ने मात्र से मिट जाए, और रस्सी मालूम पड़ गई और सांप मिट गया तो सांप था ही नहीं, और रस्सी न मालूम पड़ने से सांप मालूम पड़ना है पड़ता है तो सांप है ही नहीं। तो जो वस्तु अज्ञान से मालूम पड़ती है वो मालूम पड़ते हुए भी नहीं होती है, और जो वस्तु ज्ञान से मिट जाती है वो रहती ही नहीं है, पहले से ही नहीं थी, मिटने का उसके लिए प्रश्न ही क्या है। तो अब उपनिषद जो है वो ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप का अर्थ क्या है कि यदि सच्ची चीज होती तो उसको हटाना पड़ता कर्म से, कोई कीचड़ लग गया हो शरीर में तो पानी से उसको धोना पड़ता। हाँ तो ये भी कर लीजिए, क्या हर्ज है, निषिद्ध और काम का वर्जन कर दीजिए और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कीजिए, प्रत्यवाय विहासया, नित्य नैमित्त के कुर्जात प्रत्यवाय विहासया, मोक्षार्थं न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो, मोक्षार्थी पुरुष को काम कर्म में और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं है। जब हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, दाहिने से चलते हैं, तो इसका अर्थ है जाने का वेग बहुत बड़ा है, जाने की जो वासना है वो बड़ी प्रबल है, प्रबल वासना हुए बिना मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। निषिद्ध मार्ग में क्यों गए, एक बच्चा भी कहता है कि ये भोजन मत करो, इसमें छिपकली गिर गई है, तो हमारा हाथ रुक जाता है, और वेद शास्त्र पुराण संत सब कहें
कि ये काम मत करो तो उसको हम क्यों करते हैं। तो ये हमारी वासना, हमारी वासना का वेग है। तो जब वासना फट गई अपने साथ तो उसको दूर, ये नहीं कि हो जाने लगे। ये शास्त्र का इस संबंध में सार सार सिद्धांत है कि अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से अंतकरण है, अनादिकाल से उसमें वासनाएं हैं। और यदि कोई चाहे कि हम सब वासनाओं को पूरी करके या उनको प्रकट करके देख के पहचान के फिर उनको छोड़ेंगे तो ये कभी होना शक्य नहीं है। और कोई ये चाहे कि वेद शास्त्र में जितने कर्तव्य बताए हैं उनको हम पूरा कर लेंगे, सहस्र वत्सर व्यापी यज्ञ का अनुष्ठान कर लेंगे, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ये भी शक्य नहीं है, अशक्य अनुष्ठान है। न तो सब संस्कारों को, वासनाओं को कोई पूरी कर सकता है, न उनको निकाल निकाल के देख सकता है, पता नहीं कब कौन सी वासना निकल जा रही और जिंदगी उसी में बीत जाएगी, और न तो सारे कर्म पूरे हो सकते। इसलिए सामान्य रूप से प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए काम वस्तु की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए जिज्ञासा के उदय के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म उपासना का अनुष्ठान होता है। ये पांच विभाग कर दिया। करना क्यों, जो चाहते हो उसको पा लो। तो भाई कोई प्रत्यवाय है, प्रति प्रतीत अव अथ अयनम, जिससे हम अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा में और नीचे की ओर जाएं, उसका नाम होता है प्रत्यवाय। तो हम जहां हैं वहां से नीचे न गिरें और अपने लक्ष्य के विपरीत न चलें, इसके लिए कर्म उपासना करके अपना अंतःकरण शुद्ध किया जाता है। कर्म प्रमाण नहीं है, इसलिए उससे किसी प्रमेय का साक्षात्कार नहीं होता, प्रमेय के साक्षात्कार में सहायता मिलती है। जैसे हम चखना चाहते हैं कि ये खट्टा है कि मीठा, जीभ से ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु हाथ उसमें मदद करेगा, उठाकर उसको मुंह में डाल देगा। हम देखना चाहते हैं कि कश्मीर कैसा है तो पांव से चल के जाएंगे, हाथ प्रमाण है और पांव उसमें मदद करेगा, आंख से देखते जाएंगे, पांव से चलते जाएंगे, पांव से चलते जाएंगे, आंख से देखते जाएंगे, जीवन में कर्म का और ज्ञान का समुच्चय होगा। लेकिन जब अपने आप को जानना पड़ेगा तो वहां कहीं जाकर या कुछ उठाकर है या कर्मेंद्रियों से कोई मदद लेकर अपने आप को जानना नहीं पड़ेगा। सर्वत्र विज्ञानम कर्मांगत्वेन गम्यते, जितना जितना संसार में विज्ञान होता है उसको जानने के बाद उस वस्तु को पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है और उसका संस्कार पड़ता है। लेकिन अपने आप को जो जानना है उसका न तो संस्कार पड़ता है और न तो वो कुछ करने के लिए है। अपने को जानोगे तो उसको छोड़ोगे कि पकड़ोगे, अब तो अपना आप ही है, पकड़ना तो है ही नहीं, और अपने आप को छोड़ तो सकते नहीं। तो दूसरे को जानोगे तो बुरा होगा तो छोड़ोगे, अच्छा होगा तो पकड़ोगे, लेकिन अपने आप को जब जानोगे तो न तो वो छोड़ने की वस्तु है और न अपने आप की वस्तु है। तो ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है कि उसमें उसमें छोड़ना पकड़ना नहीं है, अपने आप को अद्वितीय रूप से जानना और अविद्या को निवृत्त कर देना।
अविद्या की निवृत्ति मात्र ही प्रयोजन है। अच्छा, अब छांदोग्य उपनिषद की बात करता है। वेद, उपनिषद और उपनिषदों में फिर छांदोग्य। छांदोग्य बहुत प्रिय उपनिषद है क्योंकि ये ज्ञान विद्या का जो मूल है सामवेद, गीति सामाख्या, गीति को बोलते हैं, गा गा के बोलना, मंत्र तो प्राय ऋग्वेद के ही है परंतु इसके सहस्त्र वर्तम माने गए हैं। सहस्त्र वर्तमा सामवेदा, 1000 मार्ग हैं सामवेद में, 1000 शाखा हैं सामवेद में। तो वो जो स्वर के भेद से उसका गान होता है, ऋचाएं तो वही है और संगीत तो छंदांसी गायंती इति छंदोगाः, जो छंद का गान करते हैं उनका नाम है छंदोग। छंदोगा नाम धर्मः आमनायोवा छंदोग्याम, जो छंदोग का धर्म है, साम गान करने वालों का जो धर्म है अथवा साम गान करने वालों का जो समानाय है उसका नाम होता है छांदोग्य। ये छांदोग्य उपनिषद है अर्थात साम वेद का उपनिषद है। तो साम गायति तत्र छंदोगा समामनन्ति, साम गायति अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः, ये साम गान होता है, हाउ हाउ करके गान करते हैं और सुनने में भी बहुत प्रिय होता है और उसका अर्थ भी बड़ा रसीला होता है। तो ये है छांदोग्य उपनिषद। इसमें कर्म और उपासना का पहले वर्णन है। तो यदि क्रम से साधना न बताई जाए तो मनुष्य के मन को संतोष नहीं होता है। एक क्रम बता दिया, पहले कर्म का वर्णन, फिर कर्मांग उपासना का वर्णन। उपासना में भाव की प्रधानता होती है, कर्म में कृति की प्रधानता होती है। जैसे इंद्राय स्वाहा आहुति दी, तो इसमें कर्म है और इंद्र कहाँ है, इंद्र जो शाब्दी भावना है उसमें इंद्र है। तो कर्म और उपासना का तो समुच्चय होता है परंतु कर्म उपासना ज्ञान का समुच्चय नहीं होता। ज्ञान के साथ समन्वय होता है, पहले कर्म कर लो, पहले उपासना कर लो, अंतःकरण शुद्ध हो गया, शांत दांत उपरत तितिक्षु श्रद्धालु समाहित हो गए, तो अब आओ वेदांत का श्रवण करो। जय जय। ऐसा है कि एक निवेदन ये करना है कि यदि अधिकारी न होए और वेदांत का श्रवण करे तो उससे उसकी कोई हानि होने की संभावना नहीं है। श्रेयस्य केन तृप्यते, वो तो उल्टा ग्रहण कर लेगा, उल्टा ग्रहण कर लेगा तब अनाचार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाएगा। और यदि उल्टा ग्रहण न करे, सुल्टा ग्रहण का प्रयास करे तो वेदांत श्रवण से अनधिकारी भी अधिकारी हो जाएगा। श्रवण से पाप की निवृत्ति होती है, मनन से वासना की निवृत्ति होती है, निरिध्यासन से विपर्यय की निवृत्ति होती है। ये अंतःकरण शुद्धि के ही तो सारे के सारे साधन है। अज्ञान भी आवरण भी अंतःकरण का एक दोष है, मल विक्षेप आवरण, वेदांत श्रवण उसमें भी सहायक होता है। आवरण भंग में सहायक है तो विक्षेप और मल में भी, मल की निवृत्ति में भी सहायक होगा। क्योंकि निवेदन ये है
कि इसमें जो हमारे अधिकारी हैं छांदोग्य उपनिषद में, श्वेत केतु, नारद, इंद्र, विरोचन, ये सब क्या अधिकारी होकर वेदांत श्रवण करते हैं? यदि उनके अधिकार में त्रुटि नहीं है, श्वेत केतु तो स्तब्ध है, उसको तो जिज्ञासा भी नहीं है। श्वेत केतु न मुमुक्षु है न जिज्ञासु है, स्पष्ट है, वो तो अभिमान में चूर है। हमारे जैसा पंडित और कौन, वो तो काशी का पंडित है। सत्ता श्वेत केतु, परंतु ये पिता पिता उसको उपदेश करते हैं। अब वो ये तो नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा मन विक्षेप दूर हुआ कि नहीं है? तो पिता की करुणा है कि वो अपने पुत्र को अभिमानी नहीं देखना चाहते हैं और अंधकार में नहीं रखना चाहते हैं। नारद के मन में वैराग्य है और जिज्ञासा भी है, और जिज्ञासा यह है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, ऋग्वेदम, भगवतम, यजुर्वेदम, सामवेदम, इतना पढ़ा लिखा और हमारा शोक दूर नहीं हुआ, तो हम भगवत शोचामि। तो वो बहुत पढ़ाई लिखाई की निरर्थकता को समझते हैं और देखते हैं कि उसका फल है शोक निवृत्ति, तो हमको हुई नहीं, इतना पढ़ लिख के क्या किया जब हमारा शोक ही निवृत्त नहीं हुआ। ये देखो इंद्र और विरोचन, जो के अधिकार संपन्न होके प्रजापति के पास वेदांत श्रवण करने के लिए गए हैं, और तो महाराज 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने से उनका अंतकरण शुद्ध हुआ इंद्र का, कि पहले ही हो गया था? विरोचन बेचारे की तो बात ही मत करो, वो तो देहाभिमान लेके ही लौट आया, तो उसकी अंतकरण शुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं उठा। तो इस प्रतीक्षा में कि हमारा अंतकरण जब सर्वथा शुद्ध हो जाएगा तब हम वेदांत का श्रवण करेंगे, प्रतीक्षा करते करते युग बीत जाएंगे, जन्म बीत जाएंगे, और कभी वासना रहित अंतकरण 5-10 मिनट के लिए हो जाए तो हम ऐसे निवेदन करते हैं आस्थाओं के सामने कि आवरण भंग हुए बिना मन विक्षेप की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आवरण ही तो मन विक्षेप का मूल है, और आवरण तत्व ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकता आवरण भंग। तो पहले अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि की पहले तत्व ज्ञान, वही प्रश्न आया कि बीज की वृक्ष मुद्रा की जागरण, इसलिए इसमें क्रम बनाने की जरूरत नहीं है कि पहले अंतःकरण शुद्धि हो जाए और फिर हम वेदांत का श्रवण करें, ये क्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक ध्यान आपका आकर्षित करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, यहाँ तो सब महात्मा लोग बैठे हैं, जीवन मुक्ति विवेक नाम की जो पुस्तक है उसमें बताया कि तीनों क्रम हो सकते हैं, पहले वासना क्षय मनोनाश फिर तत्व ज्ञान, और पहले तत्व ज्ञान और पीछे वासना क्षय मनोनाश। तो तत्व ज्ञानी के लिए वासना क्षय मनोनाश के लिए अभ्यास विशेष का वर्णन हुआ। यदि ये वासना रहते और मन रहते मनोनाश हुए बिना और वासना क्षय हुए बिना यदि तत्व ज्ञान नहीं हो गया
तो तत्व ज्ञान के बाद वासना क्षय और मनोनाश के लिए अभ्यास का उपदेश कहाँ से आ गया? इसलिए पहले हमें जो असंभावना मन में बैठी हुई है उसको निकालना चाहते हैं। जिन लोगों के मन में हो वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, ये बात शास्त्र में कहीं नहीं है। हम बिल्कुल प्रामाणिक रूप से वेद वेदांत शास्त्र की ओर से ये बोलते हैं कि कितनी देर तक अंतःकरण शुद्ध रहे तब तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान होने से कितना पूर्व अंतःकरण शुद्ध हो जाए और पूरी तरह हो जाए, 3 मिनट पहले हो जाए, 3 दिन पहले हो जाए, 3 महीना पहले हो जाए, 3 वर्ष शुद्ध रहे तब ज्ञान तत्व ज्ञान होगा, ये कहीं नहीं है। तत्व ज्ञान के अव्यवहित पूर्व क्षण में अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। एक क्षण और एक क्षण के लिए यदि श्रवण करते करते, मनन करते करते, निधि ध्यान करते करते, एक अंतःकरण के एक क्षण के लिए भी यदि मल विक्षेप दूर हो गया तो उसमें तत्व ज्ञान के उदय की योग्यता आ जाती है। अब उसके बाद फिर वासना का प्रभाव आवे तो उसको निवृत्त करने के लिए कर लो उपाय, और वो उपाय भी अपूर्व या अदृष्ट उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। जेन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनी नीशति, यदि तत्व ज्ञान होने के पश्चात इंद्रियां ग्लानिकर कर्म में प्रवृत्त होती हैं तो उनको काश्चित ममानु ध्यान है ना, भगवान का ध्यान कर लो, वेदांत का स्वाध्याय कर लो, सत्संग कर लो, एकांत में बैठ लो, कैसे भी जब जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति के अनुरूप। उसमें भी ये नहीं है, निष्ठा साधन में नहीं होनी है, निष्ठा तो स्वरूप में होनी है, ब्रह्म निष्ठा होनी है, साधन निष्ठा नहीं होनी है। तो वो तो जैसे भूख लगने पर कभी पूरी मिल गई, हलवा मिल गया, कभी रूखी सूखी रोटी मिल गई है, और कभी नहीं मिला तो पानी पी लिया, कभी पत्ता खा लिया, कैसे भी भूख को जैसे दूर करते हैं वैसे ही ये जो इंद्रियक ग्लानी है इसको निवृत्त करने के लिए जो भी साधन उस समय उपलब्ध हो, मंदिर में चले गए, स्तुति पाठ कर लिया, कुछ बिगड़ता नहीं तत्व ज्ञान का, देवार्चन स्नान शब्द भिक्षा दो असताम नको तारम जपद्वास तद्वत पठत स्वाम नाय मस्तकम विष्णु ध्याय तो धीर जलवा ब्रह्मानंदे निवज्यताम साक्ष्यं किंचित अप्यत्र न पूर्वे नैव कारये। जैसे भी उस समय इंद्रियां ग्लानिकारक कर्म से निवृत्त हो जाएं, ग्लानि न हो चित्त में, ऐसा कर लो। तो वो दृष्ट मल दृष्ट विक्षेप की निवृत्ति के लिए है, कोई पुण्योत्पादन करके भविष्य के लिए, भविष्य के लिए नहीं है, तत्काल बिल्कुल पवित्र। तो इसी से वेदांतों में उत्तराध का भी वर्णन आता है। कुछ डरने की बात नहीं है, तदधिक में उत्तर पूर्वाग्रहो अश्लेष विनाश तद्यपदेशात्। तो पूर्वाग्रह का विनाश तो तत्काल हो गया, क्यों? अपने को जो कर्ता भोक्ता समझ करके, संसारी समझ करके, जो ये था मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, किम हम साधुना करवम, किम हम पापम करवम, ये जो ग्लानी थी वो तो तत्काल मिट गई पूर्व की। अब रही बात उत्तर की है, तो उसके लिए उपनिषद ने कह दिया अश्लेष हो जाता है, उसकी पत्ते ही नहीं, असंग आत्मा के साथ उसका लेप नहीं होता। आजकल एक निर्लेप तवा भी बना हुआ है महाराज, निर्लेप कढ़ाई, बिना हाँ उस पर रोटी तो सेंक लेते हैं, रोटी तो सेंक लेते हैं, लेकिन उसके घी भी उस पर कुछ
जरूरत नहीं होती, उत्सुकता नहीं है उसमें, निर्लेप तवा है, निर्लेप कड़ाई बनी हुई है। तो जो विवेकी पुरुष है वो निर्लेप हो जाता है, लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र निवामता न करोति न लिप्यते, हत्वापि सीमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान तद्यथा पुष्करफलासे आपो न श्लिष्यन्ते, ये नारायण। तो इसलिए जिंदगी भर माटी से हाथ धोने में बिता दें कि हमारा हाथ शुद्ध हो जाएगा, तब हम वेदांत की पोथी को हाथ लगाएंगे, तो जिंदगी में कभी नहीं लगा सकोगे, है ना। इसलिए हाथ धोने में जिंदगी नहीं बितानी है, और ज्ञान का हाथ तो अंतःकरण ही है, है? अंतःकरण के हाथों में ज्ञान की पोथी छुई जाती है। तो इसके लिए तो आके सामने बैठे देखो, इतने बड़े बड़े महात्मा होके नीचे बैठते हैं, विनय है कि नहीं, और चुप बैठते हैं, शांत है कि नहीं, और दांत है कि नहीं, कर्म से उपरत है कि नहीं, नीचे धरती पर बैठते हैं लोगों के बीच में, महाराज ऐसे ऐसे साधु होते हैं जो कहते हैं दूसरे की सांस हमारी सांस से मिलने न पाए, ऐसे होते हैं महाराज कट्टर साधु। हमने एक महात्मा को देखा तो उनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, बड़े कट्टर महात्मा लोग, वो आके इतने स्त्री पुरुषों के भीड़ में महाराज, है ना, धक्कम धक्की करके कोई आगे बैठ जाता है, कोई पीछे बैठ जाता है नीचे, तो ये उपरत होके, दांत होके, शांत होके, तितिक्षु होके, श्रद्धा संपन्न विनय विनयी होके और समाहित अंतकरण से बैठते हैं, ये क्या अंतकरण की शुद्धि नहीं है? अरे बाबा, न हुआ हो ज्ञान अब तक तो आप लो, तो न हुआ हो ज्ञान तो अब लो, और कुछ प्रमाण का भी बल होता है। ये भक्ति शास्त्र में प्रमेय का बल होता है, माने भगवान हमारा मंगल करेंगे, विषय का बल होता है, और धर्म शास्त्र में कर्ता का बल होता है, प्रमाता का बल होता है। प्रमाता कहो, कर्ता कहो, भोक्ता कहो, हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, तो धर्म में जीव का बल होता है और भक्ति में ईश्वर का बल होता है, और वेदांत में वेदांत प्रमाण महावाक्य प्रमाण का बल होता है। प्रमाण बल से अविद्या की निवृत्ति होती है ना, प्रमेय तो निर्गुण निर्विशेष है, वो तो अपने बल का प्रयोग करता नहीं, और कर्ता उससे, कर्ता जो है वो कोई कार्य उत्पन्न करके, कोई साध्य उत्पन्न करके उसको चाहता हो तो बात है नहीं, इसलिए कर्ता का बल तो साध्य की उत्पत्ति में समाप्त है, और अनुग्रह का बल जो है वो सब कुछ दूर कर सकता है, परंतु पराधीनता दूर नहीं कर सकता। जिसकी कृपा से हमको ज्ञान होगा उसकी पराधीनता अनिवार्य भी हो जाएगी। इसलिए जब परमेश्वर जहां मुक्ति देता है ना, उसकी मौज हो तो बिल्कुल अयोग्य को दे दे, मारीच जैसे कपटी को भगवान मुनि दुर्लभ गति देते हैं, ये है ना उनकी, वो श्रृंखलता ही तो है भगवान। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, भला सोचो जो मुनियों के लिए दुर्लभ गति है सो मारीच को देना, ये यही कहना पड़ेगा कि परम स्वतंत्र सिर पर तो गावे कैसे करे तो गीत को बोले कि वाह गीत धाम खाल आमिष भोगी, बोले काय को, अरे ये हमारी ओर से इसने रावण से लड़ाई की है सीता की रक्षा के लिए, करो पक्षपात इसका, गीत धाम खाल आमिष भोगी गति सो दीन जे जाचत जोगी, ये उच्छृंखलता है भगवान की,
अयोग्य को भी मुक्ति दे देते हैं। और महाराज बड़े योग्य जय विजय वैकुंठ में गए, उनको तो वैकुंठ की मुक्ति मिली हुई राजू, उनको पटक दिया जाओ राक्षस हो जा। तो ये जो दूसरे की दी हुई मुक्ति होती है, वो महाराज कब किसको क्या बना देगा, कब राजा को रंक कर दे और कब रंक को राजा बना दे, उसका तो कुछ ठीक ही नहीं है। महाराज अपने बाप दशरथ और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तन परिहरि राव गयो सुरधाम। लो महाराज राम राम कहते हुए तो मरे और उनको अपने महल का रास्ता ही बंद कर दिया, नहीं वैकुंठ में नहीं जा सकते। कहाँ जाओगे, कब स्वर्ग में जाना पड़ेगा है? बोले कब तक तो तुम्हारे मन में हमको राजा देखने की थी ना, तो जब तक हमको राजा नहीं देख लोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी, मुक्ति रोक दिया हो। बद्ध को मुक्त बना दिया, मुक्त को बद्ध बना दिया, मुक्ति को रोक दिया। ये ईश्वर की दी हुई जो मुक्ति होती है बाबा, उसका कुछ ठिकाना नहीं कि कब वो क्या कर रहे। तो मुक्ति तो जो प्रमाण बल से प्राप्त होती है, वो प्राप्त नहीं होती है, नित्य प्राप्त है। और नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त सी हो गई है, लगती है अप्राप्त सी। तो जब वो प्रमाण बल से बंधन की भ्रांति निवृत्त होगी, और भ्रांति का मूल अविद्या, भ्रांति दूसरी चीज है और अविद्या दूसरी चीज है। जैसे एक चीज को कभी देखा सांप है, भ्रांति है, कभी देखा माला है तो ये भी भ्रांति है, कभी देखा कि डंडा है ये भी भ्रांति है, कभी देखा जरधारा दरार है ये भी भ्रांति है। परंतु जब ये रज्जू को पहचान जाए तो सब भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। संपूर्ण भ्रांतियों के मूल में रस्सी को न पहचानना है, तो भ्रांति है कार्य और अविद्या है मूल कारण। तो अविद्या की निवृत्ति जो है वो मुक्ति के लिए अपने नित्य सिद्ध नित्य प्राप्त मुक्ति के साक्षात्कार के लिए जो अबद्ध में बद्ध की भ्रांति है उसको दूर करने के लिए न आत्मबल काम देता है और न ईश्वर बल काम देता है। उसमें ये उपनिषद जिस छांदोग्य उपनिषद को अब आपके पास सुनाने जा रहे हैं, ये उपनिषद जो है ये उपनिषद विद्या प्रमाण विद्या है और न वेदांता प्रबलम मानमिष्य है। वेदांत से बढ़कर के प्रबल प्रमाण और कोई नहीं, क्योंकि अन्य रूप से वस्तु का साक्षात्कार कराने वाले जितने प्रमाण हैं वो करण सापेक्ष होते हैं, करण सापेक्ष। अच्छा, स्वर्ग को सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण है, वो भी वेद में है, लेकिन उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी जिंदगी भर कि वेद में जो स्वर्ग का वर्णन है वो सच्चा है, श्रद्धा करनी पड़ेगी। और ये जो आत्मा के बारे में वेद बताएगा कि तुम ऐसे हो, इस पर श्रद्धा नहीं करनी पड़ेगी, ये तो साक्षात अनुभव हो जाएगा ना, अनुभव पर्यवसान है ये। तो वेदांत विद्या जिज्ञासा के समय तो श्रद्धा का साकार लेती है। वैसे बाबा ये भी अपेक्षा नहीं है, आप लोग जानते ही हैं सब, मारे न तो शिक्षे त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में राजा जनक की कथा आई है। वो महाराज रात के समय चांदनी रात में बैठ के और सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे थे, अत्यंत विक्षेप में, मल भी था विक्षेप भी था और मस्ताने भी हो रहे थे। उसी बीच में सिद्ध लोगों की तत्वमसी जो महावाणी उनके कान में पड़ी और श्रवण मात्र से ही दो तर गया, उधर सुरा गई उधर सुंदरी गई उधर, अरे मैं तो
अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा हूँ। अब ऐसा वर्णन तो त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में है वो, तो ये मैं साधन का खंडन करने के लिए नहीं सुना रहा हूँ। आपके मन में निराशा न होए, उदासी न होए, अपनी अयोग्यता की खिलानी न होए, हैं? कभी कभी ऐसे भी ज्ञान हाथ लग जाता है और ईश्वर कृपा से ऐसे भी समझो कि वामदेव जब गर्भ में थे तो उन्होंने वहां अंतकरण शुद्धि के लिए कौन सा यज्ञ जागादि किया, वहां कौन सी उपासना की उन्होंने, वहां कौन सा योगाभ्यास किया उन्होंने। बोले भाई पूर्व पूर्व जन्म के तो होंगे साधन और महावाक्य जन्य वृत्ति जो है उसमें कुछ आ गया होगा प्रतिबंध, गर्भ में आने पर प्रतिबंध की निवृत्ति हो गई और तत्व ज्ञान हो गया। तो बाबा इसमें भी क्या संभावना है कि आप में से है ना कोई ऐसे भी हो है जिनका महावाक्य प्रतिबद्ध हो, है ना? तो छांदोग्य उपनिषद के महावाक्य श्रवण से वो प्रतिबंध दूर हो जाए और आप अपने को अद्वितीय अनुभव करें। इसलिए अब कल से आपको विद्या के विषय में सब विद्या, भूमा विद्या और दक्षिणाक्ष विद्या, इनके संबंध में एक विवेचन प्रस्तुत